हेलो एवरीवन, गार्डनिंग थोड़ा मेहनत वाला शौक है। आप फ्री नहीं रह सकते, आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ काम गार्डन में जरूर रहेगा। कभी आपको किसी पौधे की गुड़ाई करना है, कुछ ऐसे प्लांट जो थोड़े लंबे हो गए हैं और झुक गए हैं, तो उन्हें सपोर्ट देना होता है, सपोर्टर लगाने होते हैं। किसी प्लांट को खाद देना है, तो किसी को पानी देना है, और भी बहुत से काम होते हैं। और फिर हार्वेस्टिंग करने में भी थोड़ा समय तो लगता ही है। तो कुछ लोगों का कहना है कि इतनी मेहनत के बाद यदि थोड़ी सी सब्जी मिल भी गई तो उससे क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इतनी मेहनत के बाद यदि एक फल भी हमें मिल जाता है या एक फूल खिल जाता है जिसका हम इंतजार करते रहते हैं, तो हमें बहुत खुशी मिलती है और ये अतुलनीय होती है। आप कितने भी परेशान हैं, दुखी हैं, पर जैसे ही आप अपने गार्डन में आते हैं, चाहे वो टेरेस गार्डन हो या बालकनी में आपने पेड़ पौधे लगा रखे हैं, तो रंग बिरंगे फूल पौधे देखकर हमें बहुत खुशी मिलती है। सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है और तबीयत खुश हो जाती है। थोड़ी सी ही सही पर हमें ऑर्गेनिक हरी सब्जियां मिल जाती हैं। रोज हम हरी धनिया पत्ती तोड़ सकते हैं, कड़ी पत्ता तोड़ सकते हैं और अपने भोजन का स्वाद बढ़ा सकते हैं। ताजी सब्जियों की बात ही कुछ और होती है। और पेड़ पौधों के साथ थोड़ा समय बिताने से हम स्वस्थ भी रहते हैं, हमें ऑक्सीजन मिलती रहती है। हम कुछ मेडिसिनल प्लांट लगा सकते हैं, जैसे गिलोय, तुलसी है, अजवाइन प्लांट है, एलोवेरा है, जो हमारी छोटी मोटी बीमारियों को ठीक करते रहते हैं। कुछ एयर प्यूरिफायर प्लांट लगाकर हम अपने घर की वायु को शुद्ध रख सकते हैं। कुछ प्लांट हम बेडरूम में भी रख सकते हैं, जैसे स्नेक प्लांट है ना, मनी प्लांट है, इन्हें हम अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं। पेड़ पौधों के कारण गार्डन में बटरफ्लाई, हमिंग बर्ड, गिलहरी, बहुत सारे हमारे साथी आते हैं जिनकी अटखेलियां देखकर बहुत खुशी मिलती है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि हमारा घर बहुत सुंदर लगता है। पेड़ पौधे हमारे घर की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। मैंने देखा है जिन घरों में पेड़ पौधे नहीं होते हैं उनमें एक सूनापन सा दिखता रहता है। तो आप भी अपने घर में 5-6 प्लांट तो जरूर लगाइए। कम जगह में और कम समय में भी कुछ प्लांट लगाए जा सकते हैं। स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।